नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं ट्राइबल किचन। आजकल हम महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में हैं और ये डहाणू तहसील है, वहां का एक छोटा सा गांव है। और मेरे साथ बिंदु हैं। बिंदु, इनका क्या नाम है? संगीता। बिंदु और संगीता मेरे साथ हैं और आज हम पॉम्फ्रेट फ्राई करेंगे। और बिंदु हमारे लिए पॉम्फ्रेट फ्राई करेंगी, पॉम्फ्रेट मछली। जी दिखा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा ये देखिए, हाँ, शानदार चार पॉम्फ्रेट इनको फ्राई करेंगे। बिंदु, इसमें क्या क्या मसाला डाला है आपने, कैसे इसको मैरिनेट किया, थोड़ा सा बता दीजिए। नमक डाला है, हल्दी डाला है और मिर्ची पाउडर, गरम मसाला। तो बिंदु, आप लोग मछली फ्राई करके ही खाती हैं या आप लोग अलग अलग तरह से मछली बनाते हैं? हम अलग अलग तरह से बनाते हैं, वो इमली डाल के और टमाटर डाल के भी बनाते हैं। और इस वक्त हम इमली के पेड़ के नीचे ही बैठे हुए हैं। इस इलाके में इमली खूब मिलती है, जंगल में भी इमली के पेड़ होते हैं और लोगों के आंगन में भी आपको इमली के पेड़ मिल जाते हैं, इसलिए इमली की कोई कमी नहीं है और इमली का खूब इस्तेमाल यहाँ खाना बनाने में भी किया जाता है। वाह, तो मैं ये देख रहा था बिंदु, हम लोग यहाँ जब घूम रहे हैं तो हर बाजार में सूखी हुई मछली, तरह तरह की सूखी हुई मछली मिलती है, झींगा भी मिलता है। तो आपके यहाँ सूखी मछली खूब खाई जाती है? हमारे यहाँ सूखी मछली खाई जाती है, हर रोज खाते हैं। तो कैसे बनाते हैं हर रोज? इसमें ही वो आग में ही बनाते हैं। आग में भून के? आग में भून के सूखी मछली। हाँ। ये तो हमें देखना पड़ेगा कैसे बनती है सूखी मछली आग में भून के। ये यहाँ पर जी आलू डालकर सब्जी भी बनाते हैं, सूखी मछली। सूखी मछली के आलू डाल के सब्जी भी बनाते हैं। वाह, तो कई तरह से यहाँ मछली बनती है, सूखी मछली अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दिखा सकें कि किस किस तरह का खाना यहाँ पर बनता है। और आपके यहाँ समुद्र भी पास ही है और मैं देख रहा हूँ कि आपके पहाड़ है ये दाईं तरफ, इधर नदी भी है, तालाब भी है। तो आप लोग समुद्र की मछली खाते हैं या तालाब और नदी की मछली भी खाते हैं? हम समुद्र की ही खाते हैं। समुद्र की खाते हैं। और जो तालाब और नदी में मछली होती है उसका क्या करते हैं? बारिश के टाइम होती है, अभी नहीं। अच्छा, वो बारिश के टाइम पे होती है जो इस वक्त भी खाते हैं, बारिश के टाइम पे। अच्छा, जब बारिश होती है तो नदी और तालाब की मछली खाते हैं। इस टाइम नहीं मिलती है? इस टाइम नहीं, पानी नहीं रहता ना, इस टाइम सूख जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पानी नहीं रहता है। इस इलाके में पानी जो है वो एक नेमत की तरह है, हालांकि यहाँ खूब बारिश होती है, पहाड़ है और जंगल है, झरने हैं, नदियाँ हैं, लेकिन बारिश के वक्त में ही उनमें पानी होता है। आप यहाँ पर कुएं देखेंगे तो बहुत गहरे होते हैं और अगर किसी के कुएं में गर्मी में भी पानी रहता है तो उसको बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, उसको बड़ा संपन्न माना जाता है। जो आप मछली की सब्जी बनाते हैं, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? भाजी। मछली की भाजी ना, मछलाची भाजी। भारत बहुत बड़ा देश है, कई भाषाएं, कई लहजे यहाँ पर हैं और जितना हम आदिवासी भारत में घूम रहे हैं उतना ही हमें आदिवासी इलाकों में बोले जाने वाली भाषा, बोलियाँ पता चल रही हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी जिस तरह से मैं भी भारत को समर्थन दे रहे हैं, आप भी ज़रूर इसका आनंद ले रहे होंगे। Thank you.
तो ये तो समुद्र वाली पॉम्फ्रेट है ना। आप लोग भी पॉम्फ्रेट ही बोलते हैं या आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मछली नहीं, इस वाली मछली को क्या बोलते हैं? पापलेट। पापलेट, तो पॉम्फ्रेट को यहाँ पर पापलेट बोला जाता है। और कभी आपको मुंबई सूरत या मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पे जाने का मौका मिले तो वहाँ के ढाबों पे खाना खाइएगा, और वहाँ बोर्ड पे आप अगर पॉपलेट लिखा देखें, पॉपलेट फ्राई लिखा देखें, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर पॉम्फ्रेट फ्राई मिलती है और बहुत स्वादिष्ट, क्योंकि समुद्र भी पास है, नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं, तो हर तरह की फ्रेश मछली यहाँ पर खाने के लिए मिलती है। तो इसको बार बार पलटते रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि बिंदु ने मछली को थोड़ा सा प्रेस करके दबा के देखा, उसमें से हल्का सा तेल निकला, और वो ये इंश्योर करना चाहती थी कि मछली पक चुकी है। ऐसी बात ना बिंदु? हाँ। आपने दबा के देखा ना कि मछली पकी है या नहीं? हाँ। लाइए दिखाइए तो मुझे। बहुत बढ़िया, मसालों की खुशबू इससे आ रही है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्रिस्प ऊपर से है, अंदर से मैं देख सकता हूं कि इसमें मसाले घुस गए हैं, जो इनमें कट लगाए गए हैं मछली में, वो थोड़े से खुल गए हैं और मसाले उसके अंदर तेल के साथ चले गए हैं। अच्छा बिंदु, आप लोग इसको ऐसे ही खाते हैं या इसके साथ और भी कुछ खाया जाता है? ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं। हाँ, कुछ लोग नींबू निचोड़ के खाते हैं। कुछ लोग नींबू निचोड़ के खाते हैं। हाँ। नींबू है आपके पास? है। दीजिए, तो एक ही टुकड़ा दे दीजिए। नींबू निचोड़ के आप इसको खाइए, बिना नींबू निचोड़े भी खाएंगे तो भी ये स्वादिष्ट होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे तो पॉम्फ्रेट फ्राई का असली मज़ा आप ले सकेंगे। थोड़ा सा ये तीखा होता है क्योंकि यहाँ पे मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस पॉम्फ्रेट फ्राई का आनंद लेंगे बिंदु और संगीता के साथ, इनकी परिवार के साथ। आप ट्राइबल किचन और मैं भी भारत का आनंद लेते रहिए। जल्दी ही मैं भी भारत की एक और सीरीज शुरू होने वाली है, जोहार जिंदगी, जिसमें हम लोग आदिवासी संस्कृति, गीत संगीत और आदिवासियों के हुनर की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप हमारे साथ प्यार बनाए हुए हैं, अपना समर्थन बनाए हुए हैं, इसको जारी रखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आप अगर पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि हम लोग किस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स, किस तरह के एपिसोड्स ट्राइबल किचन में लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।